साइबर क्राइम एक ऐसा फील्ड है आज के टाइम में जो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, एंड उसमें वुमेन से रिलेटेड काफ़ी ऐसे क्राइम्स हुए हैं जिसमें साइबर क्राइम में रजिस्टर हुए हैं। बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिसपे फीमेल का इम्परसोनेशन करके बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, ये मोडस ऑपरेंडी है। अभी लेटेस्ट में बहुत सारा सेक्सटॉर्शन फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे मैट्रिमोनियल फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारे फेसबुक पे अननोन आईडी से चैट करके और फिर लोगों के साथ में फ्रॉड होता है। तो बेसिकली वुमेन का इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया लेवल पे बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास कई केसेस भी आते हैं जिसमें साइबर बुलिंग का जो इंसिडेंट होता है, बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनके साथ ऐसा कुछ एपिसोड होता है, हम उसके केस भी रजिस्टर करते हैं और हम लोग ये फाइंड आउट भी कर लेते हैं कि वो किन्होंने किया है, हम उनको अरेस्ट भी करते हैं। हमारे पास में अप्रॉक्सीमेटली एवरी मंथ 5 to 7 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें साइबर बुलिंग के केसेस हम लोग रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वुमेन हैं जिनको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी साइबर बुलिंग कर रहा है या उनकी कोई फेक आईडी बना रहा है और उस तरीके से वो पब्लिक में उनको ऐसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं आज के टाइम पे, तो आप इमीडिएटली एक 1930 है जो हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है, प्लस हमारा जो साइबर क्राइम है, जो अहमदाबाद साइबर क्राइम है, उनका आप इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप खुद आ सकते हैं। आपका कोई भी नाम या आपका कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, वो सीक्रेट रखा जाएगा, और जो लीगल प्रोसेस है वो भी हम इस तरीके से काम करेंगे कि आपको इतना कोई भी किसी चीज़ का हरेसमेंट नहीं होगा। ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, लोग हेजिटेट होते हैं के साइबर क्राइम में जाएंगे, पब्लिक को पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मीडिया को पता चलेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, इस वजह से काफ़ी लोग वो कंप्लेन रजिस्टर नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको आना है, हम लोग यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, और हमारे पास में ये सिस्टम है कि आपकी आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम लोग मीडिया से दूर रख सकते हैं, इतने सेंसिटिव केसेस हैं जिनको हम लोग हैंडल करते हैं, कई चाइल्ड अब्यूज़ केसेस भी आते हैं जिनको हम लोग सीक्रेटली हैंडल भी करते हैं और उसका लीगल प्रोसेस भी करते हैं। तो आपको बेफिक्र रहने की ज़रूरत है, आपको कभी भी किसी भी वुमन को किसी भी तरीके की सोशल मीडिया पे बुलिंग हो, कोई भी हरेसमेंट हो, तो आप डायरेक्टली अहमदाबाद साइबर क्राइम का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।